नमस्कार दोस्तों, आज की न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर। दोस्तों आज हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि आप वीआई का सिम एक्टिवेट कैसे करोगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप किसी प्रकार का वीडियो फेसबुक पर देखना पसंद करते हैं तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप हमें वहाँ पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं और इस प्रकार का वीडियो वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हम लॉगिन कर लेते हैं अपना स्मार्ट कनेक्टिव वीआई, दिखाते हैं आपको फुल प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों हमने अपना स्मार्ट कनेक्टिव वीआई ऐप को लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक्टिवेशन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, रेड वाला और पीला वाला। तो दोस्तों आपको जो रेड वाले से नहीं करके पीले वाले पे क्लिक करना है और न्यू सिम पे क्लिक कर देना है और आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, अब यहाँ आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। ऊपर आपको नॉर्मल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे CYN का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है दोस्तों ब्राउज प्लान, तो ब्राउज प्लान पे आप क्लिक करेंगे और FRC आपके सामने आ गई है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं। और इसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैं 297 की FRC दे रहा हूँ कस्टमर को, 297 की FRC चुने, इससे कम तो FRC ना करें। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करें मेरी डिवाइस का। हाँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्लीज यहाँ पर कोई भी जो आपके यहाँ पर फेमस सीरीज है उसके 4 अंक आप यहाँ पर डाल दें। इसके बाद सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च पे क्लिक करके ये आपको कहीं आगे ले जाएगा और यहाँ पर आपके सामने नंबर शो होने, जो भी कस्टमर को नंबर पसंद है उस पर क्लिक कर दें। जैसे कि मैं कस्टमर को दिखाता हूँ और जो कस्टमर को नंबर ये पसंद आए तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों नीचे आता है सिम नंबर का ऑप्शन, जो भी आपके पास VI का सिम हो नया उसके उस पर डले हुए सिम के 20 डिजिट आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम सिम नंबर देखते हैं और उनको यहाँ पर फिल कर देते हैं। दोस्तों ज़्यादा लंबा तो प्रोसेस है नहीं, यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो आसानी पूर्वक आप VI का सिम एक्टिवेट कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बार इनको डालकर एक बार चेक कर लेता हूँ कि मुझसे कोई गलती तो नहीं, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करें और ये हमें प्रोसेस अब आगे की तरफ ले जाएगा। और यहाँ पर यहाँ देखोगे 5 से 7 सेकंड यहाँ पर दिख रहा है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, आपको ढूंढना है आधार कार्ड। यदि आधार कार्ड पे तो आधार कार्ड ढूंढ लेंगे, वोटर आईडी तो वोटर आईडी के रहने देंगे। तो हम यहाँ पर चालू कर रहे हैं इस आधार कार्ड से, तो आधार कार्ड हमको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब दिख रहा है फ्रंट पेज और बैक पेज, तो हमको सबसे पहले आधार कार्ड का फ्रंट साइड से फ़ोटो ले लेना है। तो ठीक है दोस्तों, हम रख लेते हैं अपने सामने आधार कार्ड और उसका फ़ोटो ले लेते हैं लाइव। तो यहाँ पर हमने कस्टमर के इसके बाद यूज दिस फोटो कर देंगे और इसके बाद अब बैक साइड का फ़ोटो ले लेना है आधार कार्ड का। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और आधार कार्ड के बैक साइड का हमको फ़ोटो ले लेना है। दोस्तों थोड़ा फ़ोटो क्लियर लें जिससे कि कोई दिक्कत ना हो एक्टिवेशन करने में। उसके बाद यूज़ दिस फोटो पे क्लिक कर देंगे और दोस्तों ये थोड़ा सा वेट करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर सब कुछ फिल हो चुका है, यहाँ पर दिख रहा है इशू पैलेस, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड कहीं से भी हो, मैं उत्तर प्रदेश हूँ तो उत्तर प्रदेश फिल कर दूंगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हमको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब हमको लेना है कस्टमर का लाइव फ़ोटो, तो लगा लेते हैं कस्टमर को एक दीवार के पास, उसका ले लेते हैं एक लाइव फ़ोटो। यहाँ हमको कैमरे पर हमको क्लिक कर लेना है। दोस्तों ध्यान रखें कि कस्टमर का जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा साफ़ हो, जैसे कि गंदा ना हो। जिसका फ़ोटो जो है मेन कस्टमर का तो साफ लेना ही लेना है, उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर खींच देते हैं कस्टमर का एक फ़ोटो, थोड़ा सा वेट करें। उसके बाद नीचे का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करें और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ चुके हैं, जिस कस्टमर का नाम आ गया, लास्ट नेम आ गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दिख रहा है फादर नेम अभी तक नहीं भरा है। तो हम यहाँ पर फादर नेम आधार कार्ड में देखेंगे और फादर नेम को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो थोड़ा सा वेट करें और यहाँ पर फादर नेम एंटर कर देते हैं। ऊपर आपको दिख रहा हूँ मेल, फीमेल और अदर, मेल है तो मेल करें, फीमेल है तो फीमेल करें। तो दोस्तों मेल है तो हम मेल पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमको कस्टमर के फादर का नाम जो आधार कार्ड में हो, दोस्तों हमको हर एक जानकारी सही डालनी है जिससे कि कभी भविष्य में कस्टमर का नंबर जो है डैमेज हो जाए या लॉस हो जाए तो उससे निकलवाने में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर जो है कस्टमर के फादर का नाम सही तरीके से हम एंटर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाता है मोबाइल नंबर, या पहले सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फैमिली मेम्बर, फैमिली अदर है तो अदर पर्सन, तो फैमिली मेम्बर कर दें। यहाँ पर हमको कस्टमर से एक मोबाइल नंबर कन्फर्म कर लेना है आगे, नहीं यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर तो रह गया। मोबाइल नंबर हम दोस्तों फिल करेंगे, कस्टमर से कंफर्म करें उनका मोबाइल नंबर क्या है और सही। एक चीज़ का ख्याल ध्यान रखें, कस्टमर से मोबाइल नंबर लेते समय कस्टमर से भूल जाए कि उस सिम में रिचार्ज है या नहीं। यदि रिचार्ज नहीं है तो दोस्तों उस नंबर को फिल ना करेंगे, दोस्तों OTP आएगी, OTP नहीं आए तो आपका एक्टिवेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब हम यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे
और यहाँ पे देखिए फादर नेम आ चुका है, उनका होम नंबर और सब कुछ यहाँ पे फिल हो चुका है, देख सकते हैं। अगर कोई गलती हो तो आप अपने आप खुद से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर सेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए होम नंबर जो है हमारा रोड नंबर, इसको थोड़ा काटेंगे, इसको थोड़ा यहाँ पर बताएंगे कि जैसे कि हम जो भी होम नंबर है उनका टाइप करना होगा हमको, तो दोस्तों हम यहाँ पर देख कर यहाँ पर जैसे बिल्डिंग नंबर या जैसे कि उनके गाँव का नाम हो वो हमको यहाँ पर पूरी तरह से फिल कर देना, क्योंकि दोस्तों होम नंबर तो ऊपर आ गया, आधार कार्ड में देखेंगे कि उनके गाँव का नाम पूरा क्या है, जैसे कि इनके गाँव का नाम ये है वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपसे कोई गलती तो नहीं रह रही है, और यहाँ पर जो जिस पे स्टार होगा खाली वही क्लिक, यहाँ पर सेम पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद सब कुछ फिल हो चुका है। अब नीचे का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हमको आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह से अगला पेज, यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमको यहाँ पर जीरो फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सर्विस पर क्लिक कर देना है। नीचे की तरफ आएंगे और हमको यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर आता पे, अब आपको पे पे क्लिक करना है, जो भी जिससे भी यानी पहले से मानना चाहते हैं फारसी, तो यहाँ पर अपना पिन एंटर करें और डन करें और पे कर दें। और दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देते और अब हमारी फारसी लग चुकी है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे हम धीरे धीरे, यस पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करना है और फिर आगे बढ़ जाना है नीचे वाले ऑप्शन से। तो ठीक है दोस्तों हम तीनों पर क्लिक कर देते। अब यहाँ पर देखिए सेंड ओटीपी का ऑप्शन आता है आपके सामने, तो आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब कस्टमर के उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, जो ओटीपी आपको एंटर ओटीपी पे टाइप कर देना है। इसके बाद दोस्तों डन करना है और यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर क्लिक करके हमको फिर से आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है आपको, आई एग्री पे आपको क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ से आगे बढ़ जाना है। और अब लेना है रिटेलर का लाइव फ़ोटो। रिटेलर हम खुद लग जाते हैं, दीवार से खींच लेते हैं दोस्तों हम भी अपना एक फ़ोटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको भी सेम इसी तरीके से अपना फ़ोटो खींच लेना होगा और कैमरे पे हम क्लिक करेंगे और हमने अपना फ़ोटो को ले लिया है। तो थोड़ा सा वेट करें, अब सेंड ओटीपी पे क्लिक करें और हमारे लापू नंबर पे ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करें, वो 5 से 7 सेकंड के अंदर अंदर हमारे इसमें ओटीपी फिल हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि हमारा जो एक्टिवेशन है, प्लीज़ वेट सेंडिंग रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट हमारी तरफ से छोड़ दी गई है वीआई कंपनी को। तो दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा है थैंक यू CAF सबमिट, तो दोस्तों सक्सेसफुल मोबाइल नंबर दिखाया था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।